मौसम बिगड़ने वाला है, मूवी हिट होने वाली है भाई, सुपर डुपर हिट आएगी, 200-250 करोड़ का बिगड़ेगा जब हिट होगी। मौसम मौसम तो बिगड़ेगा। आप लोग कुर्सी की पेटी बांध ली? बिल्कुल बिल्कुल बंधी हुई है हमारी, तो हम तो वेट कर रहे हैं। फैन लग रहे हो यार? जबरा फैन है, सब यहीं से पढ़ के गए हैं वो, हमने देख देख के बड़े हुए हैं, हम तो सीनियर रहे हैं हमारे, जामिया से गए हैं। तो जिस तरह लोग कह रहे हैं पोस्टर फाड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम रिलीज ही नहीं होने देंगे, थिएटर में आग लगा देंगे, आप पेंट चैनल आप लोग भी हैं, हम भी लोग ही हैं, जो कह रहे हैं वो भी यही है। देखना पहले दिन ही सुपर हिट होगी और 80 करोड़ क्रॉस करेगी इंशाल्लाह। आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। मौसम बिगड़ने वाला, मौसम बिगड़ने वाला है, आपने बांध लिया? बिल्कुल आप भी बांध लीजिए, ठीक है ओके। पठान को लेकर पूरा विवाद हो रहा है, तो जामिया के छात्र क्या सोच रहे, युवा क्या सोच रहे, इस पे जानने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं कि क्या ये लोग फिल्म देखने जाएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भगवा का अपमान हुआ है तो बाइकॉट करना चाहिए, शुरू आप ही से करते हैं भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साकिब चौधरी है। अच्छा, साकिब भाई क्या लग रहा है जिस तरह से पठान फिल्म को लेकर कहा जा रहा है, तमाम विवाद हो रहा है कि बाइकॉट करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए इन लोगों ने एक मुद्दा बना लिया है, इन्हें बाय बाय वन मुद्दा बनाना है, इनको रोजगार नहीं देना है, इनको शिक्षा पे लट, छात्रों पे लट बजवाना है। तो जब भी कहीं रोजगार या किसी चीज़ की एजुकेशन की आवाज़ उठती है उन लोगों ने, इन्हें कहीं ना कहीं ट्रेंड लेके आना है। तो ये लेके क्या ट्रेंड आए, किसी किस मूवी को हिट करानी है, किसको फ्लॉप करानी है, इन लोगों ने ये इस टाइम ये एक मुद्दा उठा लिया है और पब्लिक इस चीज से इस टाइम पब्लिक समझ चुकी है इन लोगों को, और पब्लिक इनका 2024 में इन लोगों को सिखा देगी कि ये मुद्दा बिल्कुल भी तुम्हारा नहीं चलने वाला है। और ये जिस तरीके से इनके भगवादारी है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, देखिए हम छात्र हैं, हमें चीज से कोई लेना देना नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए अच्छी, हमें जॉब मिल जाए, जॉब चाहिए, लेकिन जैसे छात्रों पे लट बजवा रहे हैं ये, इन चीज़ की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ मैं सख्त सख्त आवाज़ उठाऊंगा और उठाता रहा हूँ और उठा, मेरी पूरी टीम खड़ी है, ये उठाएगी। लेकिन ये जो रंग है ये किसी हिंदुओं का रंग नहीं है, ये एक सूर्य का प्रतीक है, कोई हिंदू धर्म का रंग नहीं है, ये तो हम भी कपड़े पहन सकते हैं, आप भी कपड़े पहन सकते हैं, और एक सूर्य का प्रतीक है। और एक विवेकानंद जी जो थे वो कौन से भाजपा पार्टी से जुड़े हुए थे, वो किसी पार्टी से नहीं थे, मुझे एक भी ऐसी कोई मेंबरशिप बता दीजिए जो भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हो। लेकिन ये किसी रंग का नहीं, एक रंग बना है, किस मूवी को हिट करानी है, किसको फ्लॉप करानी है। दीपिका पादुकोण है वो एक हिंदू है, वो कोई मुसलमान नहीं है, जो डायरेक्टर है वो हिंदू है, और जो प्रोड्यूसर है वो हिंदू है, पैसा सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है, ये सिनेमा हॉल क्यों नहीं बंद कराते, अगर इन्हें मूवी फ्लॉप करानी है, मूवी नहीं चलाएं तो मूवी को बैन लगा दीजिएगा। कि आम जनता को क्यों रोड पे उतार रहे, आम जनता को छूते बना रहे, आम जनता का ये पागल बना रहे, और आम जनता इनकी जो घटिया सोच है वो समझ चुकी है। और अगर इन्हें इतना ही बड़ा शौक मूवी को फ्लॉप कराने का है तो सबसे पहले सिनेमा हॉल बंद कराइए, जो कि सबसे ज्यादा इन्हीं के है, इन्हीं के नेता, इन्हीं के सांसद, राजनीति हो रहा है बिल्कुल, हर किसी को एक चीज को लेकर राजनीति। क्या पठान देखने जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे, शाहरुख खान यहाँ से जामिया से पड़ा हुआ है, हम भी जाएंगे पठान देखने, बिल्कुल। आप भी लुक में है पठान वाले लुक में? हाँ तो हम भी शाहरुख खान को फॉलो करते हैं ना, फॉलो जी बिल्कुल। आपके सीनियर भी रहे हैं शाहरुख खान? बिल्कुल, शाहरुख खान यहाँ जामिया से पड़े हुए हैं तो हम भी पड़े हुए हैं, तमाम जामिया वाले जा रहे हैं, बिल्कुल सब जाएंगे, सब जाएंगे, सब भाई लोग जाएंगे। अपमान हो गया है क्या? कुछ नहीं अपमान हुआ, इसमें पहले भी मूवी में पहनते थे भगवा कलर, पहले भी मूवी में आया हुआ है, ये तो पहली बार थोड़ी है कि भगवा कलर पहन के कोई मूवी उसमें बना रहा हो। विवाद क्यों हो रहा है फिर? पता नहीं विवाद क्यों हो रहा है, ये तो अपना उसमें राजनीति खेल रहे हैं, इसमें मूवी फॉलो, ये मुस्लिम के नाते फ्लॉप कर रहे हैं ये मूवी, मतलब हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इसमें, हाँ। राजनीति खेल रहे हैं इसके अंदर। आपका नाम क्या हो भाई? मेरा नाम गुल। गुल भाई क्या लग रहा है फिल्म देखने जा रहे हैं? फिल्म देखने बिल्कुल जाएंगे हम, हाँ। और सुपर हिट होगी फिल्म, सभी जाएंगे, हाँ। और अगर फ्लॉप करवा देंगे चना बेचेगा शाहरुख खान? फ्लॉप शाहरुख खान को कौन चना भिगवाएगा, वो पहले ही सुपरस्टार है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात रंग की जो बात है, अगर आपको रंग से प्रॉब्लम है तो आप दीपिका पादुकोण को कहो, डायरेक्टर को कहो, और किसी अगर देखो हिंदू धर्म जो है वो बहुत अच्छा है, मानने वाले भी है लोग, उन्हें कोई जो एजुकेटेड हो गया ना बंदा, उसे कलर से कोई वो नहीं पड़ेगा, पहले भी रंग आए है लोग, पहले भी मूवीज बनाई है इस रंग से, तो अभी उसमें शाहरुख खान ने थोड़ा ही डाला हुआ है, वो शाहरुख खान तो हाजी आदमी है, हाजी शाहरुख खान हाजी भी हज पे भी जाता है और वहाँ भी जाता है, मंदिर भी जाता है, हाँ। वो तो दोनों को फॉलो करता है, डर गया शाहरुख खान इसलिए मंदिर जा रहा है। डरने की क्या बात, उसकी बीवी है नॉन मुस्लिम, एजुकेटेड बंदा ये चीज देखेगा ही नहीं, शाहरुख खान ने थोड़ा ही उसको रंग पहना है, वो शाहरुख खान का तो रंग से कोई मतलब ही नहीं, रंग पहनाने वाला डांस से मारने की धमकी दी जा रही है संतों द्वारा, तो इसको क्या देखते हैं? देखो जान जिंदा जलाने की धमकी, जिंदा जलाने की धमकी देगा तो कार्रवाई करेगी उस पर पुलिस, सरकार क्या कर रही है उन लोगों को, क्यों आप अरेस्ट नहीं करते जो लोग ऐसी देश में भावनाओं कर रहे हैं? अब हम स्टूडेंट हैं, हम फॉलो करते हैं शाहरुख खान को भी, दीपिका पादुकोण को भी, तो सब जाएंगे मूवी। बाजीगर लग रहे हो यार तुम, बाजीगर ही है, हम शाहरुख खान के फैन है जो, तो बाजीगर ही है। लगातार बॉलीवुड में खान को टारगेट किया जा रहा है, खान को देखो इसीलिए कि कुछ नेगेटिव लोग हैं वो ये सोच रखते हैं कि इनको टारगेट करके एक देश में माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि हिंदू और मुस्लिम का, हाँ। लेकिन अब क्या है, अब लोग जो एजुकेटेड हो गए ना उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी, हमारे दोस्त हैं साथ रहते हैं मिलके, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान चना बेचेगा, कुछ
चंद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये टारगेट करके अपनी राजनीति में इस मुद्दे को उठा रहे हो, अदरवाइज कुछ नहीं है। सब लोग जिस तरह फैन का विरोध हो रहा है, ऐसा तो लगता है कि मूवी फ्लॉप हो रही है। मूवी तो हिट होगी आपकी, उसकी मूवी फ्लॉप कैसे हो जाएगी? आप शाहरुख खान की बात कर रहे हो, छोटा मोटा बॉलीवुड नहीं, उसे वर्ल्ड में जानते हैं। लाल सिंह चड्ढा याद है आपको? लाल सिंह चड्ढा अच्छी मूवी थी, ठीक है, फ्लॉप, कोई चलती है कोई नहीं चलती। मूवी तो बनाते हैं, आपको बायकॉट, आपको रंग गलत लग रहा है तो आप मूवी देखने मत जाइए। लुक में हो तुम जा रहे हो ना बाजीगर? बिल्कुल जा रहे हैं सर, हम फॉलो शाहरुख खान को करते हैं, शाहरुख खान को, सलमान खान को फॉलो करते हैं, अक्षय कुमार को नहीं करते। अक्षय कुमार को नहीं करते, संजय दत्त को करते हैं। अच्छा, संजय दत्त को क्यों करते हो? संजय दत्त को यार अच्छा एक्टर है, अच्छी एक्टिंग करते हैं, उसे पसंद है वो। अक्षय कुमार भी अच्छा, सलमान खान पसंद है जी, शाहरुख खान पसंद है। शाहरुख खान, कौन सी फिल्म शाहरुख खान की अच्छी लगती है? मैं हूँ ना बहुत फेवरेट है, मोहब्बतें बहुत अच्छी मूवी है उसकी। अच्छा, मतलब एक सुपरस्टार के बारे में ये बातें हो रही है देश में, तो ये सही नहीं है कि आप देश को आगे बढ़ाने के लिए उसे वर्ल्ड में जानते हैं लोग, उसे दुबई तक उस बंदे में मतलब नाम कमा रखा है, आप अपने देश को पीछे खींच रहे हो देश में। आपको प्रॉब्लम है अगर, तो दीपिका पादुकोण के ऊपर सवाल उठाइए, आप चेंज करा दीजिए कलर, क्या है कलर के ऊपर क्यों वो है? मूवी देखो ना, मूवी का एक कलर के ऊपर से बायकॉट मूवी का क्यों? बायकॉट करना सही नहीं है, बायकॉट करना सही नहीं है। आपका दिल है तो आप देखने जाइए, अदरवाइज नहीं जाइए, घर में रहिए अपने, बाद में आप मोबाइल में देखो। माहौल को जलाने की, तोड़फोड़ करने की धमकी दी जा रही है, जिस मूवी, जिस सिनेमा हॉल में ये मूवी लगेगी उसको तोड़फोड़। देखो, ये तोड़फोड़ वाली बात तो ऐसा है कि आप कानून हाथ में ले रहे हो, वो बात गलत है। ऐसे लोग देश को पीछे ही हटाएंगे, क्योंकि हम लोग जो न्यू जनरेशन है, हम अगर ये चीज़ सोचेंगे ना कि तोड़फोड़ करेंगे ये पढ़ेंगे, तो हम खुद अपना करियर नहीं बना पा रहे, इतनी दिक्कत है, कोर्स करके जॉब मिल रही है 10,000-15,000 रुपये की जॉब, क्या करेगा बंदा? जामिया से पढ़ के भी हम निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने देश में जॉब ही नहीं, बाहर का सोचते हैं। हिंदूवादी संगठन ने तो तय कर लिया कि मूवी को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। किसी संगठन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मूवी अच्छी होगी तो सब लोग देखेंगे उसे, हिंदू भी देखेगा, मुसलमान। आप जा रहे हैं, आप कुर्सी की पेटी बांध ली है? बिल्कुल, हम तो सबसे पहले टिकट भी बुक करा देंगे, आप भी चलना साथ, आपको भी दिखा के लाएंगे अच्छी मूवी। आपका नाम क्या हो भाई? मेरा नाम हम्माद खान है। अच्छा हम्माद भाई, खान साहब हैं, पठान जा रहे हैं देखने? जी बिल्कुल देखेंगे पठान, क्यों नहीं देखने के, हम तो बहुत बड़े फैन है शाहरुख खान के। ये कितने बड़े फैन है? सबसे पहली फिल्म जो मैंने सिनेमा हॉल में देखी थी वो शाहरुख खान की देखी थी। कौन सी? माय नेम इज खान। माय नेम इज खान 2009 या 10 में ऐसी देखी थी। लोग कह रहे चने बेचेगा शाहरुख खान, फिल्म फ्लॉप होगी। ये चने बेचने वाली कह रहे हैं, जो चने बेचते होंगे। अच्छा, शाहरुख खान एक ब्रांड है अपने अपने आप में, उसका नाम शाहरुख खान है, दा शाहरुख खान है। दुबई में बुर्ज खलीफा पे उसके पोस्टर लगते हैं, जब उसका बर्थडे आता है सब आता है तो शाहरुख खान साहब पूरा नाम आता है उसका, और दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है वो एक देश का नाम रोशन कर रहा है हमारे। लोग कह रहे हैं कि अगर फिल्म देखने जाएंगे तो सुताई होगी, पिटाई होगी। ऐसा कुछ नहीं होने का, ये सिर्फ डरा रहे हैं, ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आए। आवाम के पास पूरा दिमाग है, पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के, लिटरेसी रेट बढ़ गई है इंडिया की, तो अपना जो है पढ़े लिखे लोग हैं, अपने हिसाब से लोग बाग देखने जाए फिल्म जैसे। आपको क्या लग रहा है क्यों बाइकॉट करने का? जो ट्रेंड आ गया लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गया, अब इसको भी लोग कह रहे हैं फ्लॉप करवाएंगे, ये सारी बात ये है इस टाइम पे जो उसमें मरकजी जो तंजीम है बीजेपी की सरकार है इस टाइम पे, तो बीजेपी की सरकार आपको पता है कि हिंदू मुसलमान करती है, शाहरुख खान का नाम क्या है? मुसलमान वाला नाम है, शाहरुख खान है मुसलमान है, इसलिए उसे बॉयकॉट कर रहे हैं। बीबी तो गौरी खान है ना, बीबी वो खुद सेकुलर आदमी है, उसके घर में खुद मंदिर है, उसके बच्चों को गायत्री मंत्र भी आते हैं, कुरान भी पढ़ा है, सब पढ़ा है, लेकिन ये जो है ये गंदी सोच वाले लोग हैं, नीचे सोच वाले लोग हैं, जैसे हमारे मोदी जी हैं, ये मोदी जी की गंदी सोच है। और ये जी थोड़ी करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री करवा रहा है, जो मेन बैठा हुआ है बीजेपी का आरएसएस, ये बनी इसलिए है, ये जाफरानी तंजीम वाले है, ये ऐसे ये हिंदू मुसलमान करवाएंगे और कुछ नहीं करवा रहे। एजुकेशन पे बात करो, कोरोना में कितने लोग, कितने मजदूर गए हैं? शाहरुख खान कहे कि अभी पॉजिटिव लोग जिंदा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह है, पॉजिटिव लोग हैं, हिट करवाएंगे फिल्म, और शाहरुख खान को किसी की जरूरत नहीं है, उसकी फिल्म अपना आप हिट हो जाएगी, बैठे बैठे हिट हो जाएगी, उसके वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर है, सब है, वो वैसे हिट हो जाएगी। जा रहे आप? जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं अपनी राजनीति के लिए, अदरवाइज हिंदू हो मुस्लिम हो, जो बंदा एजुकेट हो गया ना वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देता, वो इंजॉय का डे होगा उनका, मूवी देखने जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो अपने घर रहेंगे। शाहरुख खान मौसम बिगड़ने वाला है, मतलब मौसम बिगड़ने वाला है, मूवी हिट होने वाली है भाई, सुपर डुपर हिट आएगी, 200-250 करोड़ का बिगड़ेगा जब हिट होगी, मौसम तो बिगड़ेगा। आप लोग कुर्सी की पेटी बांध ली? बिल्कुल बिल्कुल बंधी हुई हमारी, तो हम तो वेट कर रहे हैं। फैन लग रहे हो यार? जबरा फैन है सब, यहीं से पढ़ के गए हैं वो, हमने देख देख के बड़े हुए हम तो, सीनियर रहे हैं हमारे, जामिया से गए हैं तो लोग। जिस तरह लोग कह रहे हैं पोस्टर फाड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम रिलीज ही नहीं होने देंगे, थिएटर में आग लगा देंगे, आप टेंशन लो, आप लोग भी यही है, हम भी लोग यही है, जो कह रहे हैं वो भी यही है, देखना पहले दिन ही सुपर हिट होगी और 80 करोड़ क्रॉस करेगी इंशाल्लाह, पहले दिन ही 80 करोड़ क्रॉस करेगी इंशाल्लाह, 80 करोड़। अरे बाप, लोग कह रहे चना बेचेगा वो, देखना आप, ये इन्होंने प्रमोशन उनका उसका खुद कर दिया है, उसे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, उसका इन लोगों ने खुद ही प्रमोशन कर दिया है, ये सिर्फ राजनीति स्टैंड है, उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं।
झूमे झूमे जो पठान वाला लुक लग रहा है आपका। हाँ बिल्कुल वही है, झूमे जो पठान, जी जी फैन है ना उनके, बिल्कुल जबरा फैन लग रहा है। जी 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 बिल्कुल, शाहरुख खान का फोटो कॉपी। हाँ जी। अच्छा जो दूसरा जो गाना है वो सुने आप भाई? हाँ जी सुने। कैसा लगा? बढ़िया जी एकदम, वो तो बात ही अलग है उसकी, उसके एंट्री नहीं मतलब धमाल मचा रखा है। हाँ? जब सॉन्ग ने इतना धमाल मचा रखा है तो मूवी सोचो कैसी होगी। आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं लेकिन लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं लोगों को काम है चलना। लोगों के काम हर जगह ना, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों होने चाहिए। आपको गिराने वाला भी नहीं चाहिए, आपको उठाने वाला भी नहीं चाहिए। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक उठोगे नहीं। वो तो वैसे उठा हुआ आदमी है, इंटरनेशनल बंदा है वो। एक बात है कि शाहरुख खान की कोई भी मूवी देखने जाए जब तक अकेले नहीं जाया जाता, क्या आप अकेले ही जाएंगे या अकेले देखने वाली बात ही नहीं है उसमें, दोस्तों के साथ देखने वाली मूवी होती है। कहा जाता है कि भारत में पठान कहाँ से आया, मूवी का नाम पठान क्यों है, पठान तो अफगानिस्तान में है, ऐसी सी बातें हो रही है क्या? भारत में पठान नहीं है क्यों? मुसलमान नहीं रहते इंडिया में? ऐसी बात है ना, आप रहते हैं यहाँ पर? हाँ जी पठानों में, खान साहब में। तो ये कहा जाएगा अफगानिस्तान में पठान है, तो आप कहाँ से भारत में? इंडिया में पाकिस्तान में ये नहीं होते क्या? यहाँ पे सब जगह होते हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं यहाँ पे, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अच्छा आखिरी में आप तैयार हैं मतलब जाने के? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं। डरेंगे नहीं ना भाई? कहाँ डरेंगे, किससे डरेंगे? वो कह रहे हैं सुताई करेंगे भाई। कोई सुताई नहीं होगी, जाम में आए यहाँ तो खैर किसी पे सुताई होगी नहीं। और जो ये लोग ऐसी भावना भी रखते हैं वो गलत है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही मूवी मत ना देखो आप। ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं सभी नहीं के हैं, उनको बोलो कि बंद करा दीजिए, नहीं रखो, जिसको देखने जाए वो देखने, सुताई का क्या मतलब है? आपको अच्छी लग रही है जाइए, अदरवाइज ना जाइए, अपने घर बैठे रहिए। तो फिर वो तो प्रशासन देखेगा ना उन्हें, वो देश का क्या हाल होगा उसमें इनको देखना चाहिए, प्रशासन वालों को ये बोलते हैं मैंने शांति है। आप ऐसी भावना फैला के पूरा चैलेंज कोई किसी से वो नहीं होगा, आज के टाइम में बहुत आगे बढ़ जाइए। आखिरी में क्या जाने के लिए तैयार हैं आप लोग? अपनी कुर्सी की पेटी, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम बिगड़ने वाला है। आपने बांध लिया? बिल्कुल, आप भी बांध लीजिए। ठीक है, ओके।